आधा लीटर की बोतल आएगी साहब, और ये 600 रुपए की बोतल। पॉलिथी की डोज कितनी होगी? ये डोज सब 2.5 से 3 बीघे के लिए 500 लीटर काम में आएगा। 1 लीटर में 4 से 5 ml आपको किसानों डीएपी किसानों के लिए लॉन्च किया हुआ है जी। इसकी कीमत है जो अपने जो डीएपी आ रहा है वो 1350 है, उसके आधे से भी कम है। 600 रुपए की बोतल 500 ml की बोतल आ रही है। जैसे अपन डीएपी फसल में पहले बोने से पहले देते हैं, उसी तरह इसको काम में लेने के लिए 2 तरीके हैं। तो अपन फसल बो रहे हैं उससे पहले हम बीज उपचार करना है इसको। बीज उपचार में हम पर केजी 4 से 5 ml नैनो डीएपी किसान को मिला रहा है। उसको मिला के थोड़ा सा बीज को आराम से बीज के ऊपर अच्छी तरह से मिल जाए, और उसके बाद में थोड़ा सा सुखा देना है। सूखने के बाद में किसान को कोई जो भी फसल आप बो रहे हो उसके बाद में उसको बुआई करनी है, और बुआई करने के 35 से 40 दिन के बाद में इसको स्प्रे करना है किसान को। स्प्रे में आपको ये वही 4 से 5 ml पर लीटर पानी के साथ में मिला के और ये फसलों में आपको काम में लेना है। और ये नैनो डीएपी आप सारी फसलों में जो भी आप जैसे आप डीएपी जिस फसल में अपन काम लेते हैं, जैसे सब्जी वाली है या दाल वाली फसल है, अनाज वाली है, दाल वाली जो भी फसल है, सब में ये काम आ जाता है। उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसकी हमने अभी ट्रायल भी हमारे जोधपुर विश्वविद्यालय में लगाई हुई है, पिछले सीजन में लगाई थी और अभी और लगी हुई है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और ये जमीन को भी हमारे खराब नहीं करता और किसानों के लिए बहुत सस्ता भी चीज है और लाने ले जाने में भी बहुत अच्छा है। तो मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप इफको का नैनो यूरिया के साथ साथ अभी नैनो डीएपी भी आप काम में ले सकते हैं। हाँ सर, इसमें आप जैसे आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट में अपने पहले जो FIR का जो सूत्र था, फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड फिर राइजोबियम, उसके बाद में इसको अपने को सीड ट्रीटमेंट मिलाना है। और जो किसान स्प्रे कर रहे हैं, जैसे कोई हर्बिसाइड का स्प्रे कर रहा है या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर रहा है जो फसल में, आप उसके साथ में आराम से मिला सकते हैं, या फिर हमारे जैसे 19 वाटर सोल्युबल है उनके साथ में भी आप मिला सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं।